हेलो दोस्तों, वेलकम टू सूक्ष्मज। आई एम महावीर, सूक्ष्मज सेल्फ लर्निंग कोच। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिग्नम फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेरी बेसिक। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, एंड ये फंक्शन कैसे डिफाइंड है। अगर मैं इस फंक्शन के बारे में एक बात बताऊं आपको, तो दिस फंक्शन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन। अच्छा, ऐसा क्यों? नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन, ये जो फंक्शन आता है वो नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन की कैटेगरी में आता है। देखो, नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन कौन से होते हैं? वो फंक्शन जो अपने डोमेन में अपनी डेफिनेशन बदलते हैं, अपनी अलग अलग डेफिनेशन यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन। जैसे बेटा मोड ऑफ एफ एक्स है, ठीक है, या मोड ऑफ एक्स मान लो, चलो वो भी क्या एक नॉन यूनिफॉर्म डिफाइंड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि जब एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है तब अलग डेफिनेशन, जब एक्स लेस देन जीरो तब अलग डेफिनेशन। तो वो क्या कर रहा है, अपने डोमेन में डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन यूज कर रहा है। सिमिलरली सिग्नम एक्स करता है। देखो, सिग्नम एक्स की क्या डेफिनेशन होती है? तो अगर जब मेरा एक्स है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, मतलब जो सिग्नम का इनपुट है ना, मतलब यहाँ इनपुट कौन है? एक्स। अगर सिग्नम का इनपुट अगर पॉजिटिव होता है तो सिग्नम हमें आउटपुट देता है वन, ठीक है, एक डेफिनेशन। दूसरी, अगर सिग्नम का इनपुट अगर जीरो हो तो सिग्नम जीरो कितना होता है? जीरो। और जब सिग्नम का इनपुट जब लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव हो, ये लेट्स सपोज सिग्नम ऑफ -2, सिग्नम ऑफ -1, सिग्नम ऑफ -3, तो उनकी वैल्यू कितनी होती है? हमेशा -1 होती है। तो सिग्नम ने अपने डोमेन में कितनी डेफिनेशन यूज करी? तीन डेफिनेशन यूज करी, जो कि हमने देखी। अगर इनपुट पॉजिटिव तो आउटपुट देता है वन, अगर इनपुट जीरो तो आउटपुट जीरो, और अगर इनपुट नेगेटिव तो आउटपुट -1। तो ये इन तीनों चीजों को यूज करके अपन इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे? देखो, x इज इक्वल टू जीरो पे आउटपुट कितना? जीरो, ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वन रहेगा, यहाँ पर हमारा -1 रहेगा। तो जब x मेरा पॉजिटिव है तो मुझे आउटपुट कितना मिलेगा? वन। तो जब x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए आउटपुट आपको मिलेगा वन। देखो, यहाँ पर मैंने ओपन सर्कल बनाया है, क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ x ग्रेटर देन जीरो वाली वैल्यू लेनी है। x इज इक्वल टू जीरो वाली वैल्यू तो हम यहाँ ले चुके हैं ना, जीरो पे जीरो मिल रहा है, तो जीरो पे वन नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ ओपन सर्कल पर ड्रॉ किया। अच्छा, जब x लेस देन जीरो तो मेरा आउटपुट कितना होता है? -1। तो ये मेरा एक्स लेस देन जीरो के लिए मेरा ग्राफ बन जाएगा। सो ये ग्राफ किसका बन गया? आपका वाई इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स का, कुछ इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके डोमेन एंड रेंज की, ठीक है। अच्छा, इसका डोमेन क्या? देखो, डोमेन ऑफ सिग्नम ऑफ एफ एक्स, ठीक है, डोमेन ऑफ सिग्नम ऑफ एक्स। देखो बेटा, जो सिग्नम एक्स है वो ऑलवेज डिफाइंड, देखो एक्स आप कुछ भी रखो हमेशा डिफाइंड है ना। इसमें ऐसा कहीं केस आया ही नहीं है कि भाई एक्स ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सिग्नम एक्स मेरा नॉट डिफाइंड है। तो यहाँ हम बोल रहे हैं कि डोमेन क्या है हमारा, एक्स बिलोंग्स टू आर। रेंज क्या है? रेंज होता है कि इसके क्या क्या आउटपुट पॉसिबल है, ठीक है। तो बताओ आउटपुट क्या क्या आ रहे हैं इसके। रेंज ऑफ एफ कितना है? एक तो आउटपुट आ रहा है इसका वन, दूसरा आउटपुट जीरो, एक आउटपुट आ रहा है -1। तो इसमें तीन आउटपुट आएंगे, -1, जीरो और वन। तो अब की बार जो रेंज है वो इंटरवल फॉर्म में हमने नहीं लिखी है, क्योंकि इसमें जो रेंज आई इसको बोलते हैं डिस्क्रीट रेंज, ठीक है। मतलब हमें कुछ डिस्क्रीट वैल्यू मिल रही है, एक पर्टिकुलर इंटरवल हमें नहीं मिला है। तो हम देखते हैं कुछ और, जैसे अभी हमने ये डिफाइन किया किसको, सिग्नम ऑफ एक्स को हमने डिफाइन किया। अब किसी और सिग्नम को डिफाइन करते हैं, लेट सपोज वी हैव अनदर एग्जांपल। तो आप लेते हैं अब की बार सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन को डिफाइन करते हैं, है ना। या आप ऐसे मान लो इसका डोमेन निकालते हैं, इसकी रेंज निकालते हैं। देखो, अगर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम उसकी रेंज भी निकाल रहे हैं, डेफिनेटली हम उसका डोमेन भी निकाल रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि जब एक्स इस इंटरवल में होगा तो मेरा आउटपुट क्या आएगा। मतलब बात यह है कि मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। हमारा फंक्शन है वाई इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज। देखो, डोमेन निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, डोमेन एंड रेंज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डोमेन तो आया हुआ ही है, डोमेन सिग्नम कभी मना ही करता ही नहीं है। डोमेन तो क्या है? एक्स बिलोंग्स टू आर है। अब हम बात करें अगर रेंज की, तो उसके लिए हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा, और डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि सिग्नम का इनपुट क्या होना चाहिए, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, फिर जीरो, ठीक है। तो उस केस में इसके डिफरेंट डिफरेंट आपको आउटपुट मिलते हैं। तो मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस वन अगर ग्रेटर देन जीरो है, मतलब सिग्नम का इनपुट अगर पॉजिटिव है तो सिग्नम आउटपुट कितना रहता है? वन। अच्छा, जब सिग्नम का इनपुट जीरो है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन जीरो हो जाए, देखो सिग्नम का इनपुट कितना है यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो सिग्नम के अंदर अगर जीरो जाता है तो आउटपुट कितना मिल के आता है मुझे? जीरो। अच्छा, अगर एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन है वो अगर लेस देन जीरो, आई मीन टू से नेगेटिव हो, तो सिग्नम ऑफ नेगेटिव थिंग क्या होता है? -1।
तो इस तरीके से आपने सिग्नम को डिफाइन कर दिया, और यहां से हम इसकी रेंज भी बता पाएंगे और बहुत प्रिसाइजली बता पाएंगे कि एक्स उसके लिए क्या होना चाहिए। हाँ बेटा, वन कब मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। तो ये एक इनइक्वालिटी है जिसको सॉल्व करने पे आपको आंसर मिलेगा क्या, कि एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। ये एक सिंपल सी इनइक्वालिटी थी जिसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। जीरो जीरो कब मिलेगा? जब एक्स स्क्वायर माइनस वन इजिकल टू जीरो, मतलब एक्स इजिकल टू प्लस माइनस वन। अच्छा, माइनस वन कब मिलेगा? जब एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या हो, लेस देन जीरो। तो इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन। तो ये हमारी डेफिनेशन है, और इस डेफिनेशन में हमने आउटपुट देख लिया क्या क्या आउटपुट पॉसिबल है। माइनस वन भी पॉसिबल है, जीरो भी पॉसिबल है, और वन भी पॉसिबल है। तो रेंज क्या आई इसकी, रेंज ऑफ एफ क्या आई बेटे, माइनस वन जीरो और वन। तो क्या हर बार रेंज यही आती है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर मैं आपसे पूछता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यही है, इससे मैं अभी दो तीन क्वेश्चन इंस्टेंटली क्रिएट कर सकता हूँ। कैसे? फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन व्हेन एक्स इज माइनस वन टू वन। आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे दिया जाए। देखो ये तो क्वेश्चन हमारा ये है, अभी मैं आपको ऐसे भी पूछ सकता हूँ। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन। अगर एक्स मेरा माइनस वन से लेके वन में है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी कितनी आती है, माइनस वन। तो आंसर कितना है, माइनस वन। देखो हमने क्वेश्चन एक सॉल्व किया, लेकिन इससे अगला एक क्वेश्चन फ्रेम हो गया। तो हमारा काम, मोटो क्या है, हमें ये सीखना था कि क्वेश्चन इससे फ्रेम कैसे करें, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो हमने इसको सॉल्व किया, इससे एक नया क्वेश्चन हमने क्रिएट कर लिया। अच्छा, ये भी क्रिएट कर सकते थे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी, उस केस में क्या आएगा, ये भी पूछ सकते थे। ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब मैं ये भी पूछ सकता था इससे कि फाइंड द, अब की बार देखो रेंज ही निकालनी मुझे रेंज ही, पर मैं एक्स को रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा, ठीक है। देखो इसमें कुछ दे नहीं रखा था कि एक्स कहां से कहां तक है, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा था। इसका मतलब कि एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब इसी सेम क्वेश्चन से देखो मैं एक और क्वेश्चन क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। फाइंड रेंज ऑफ वाई इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू हमारा क्वेश्चन क्या था, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। ये है इफ इफ एक्स बिलोंग्स टू, अगर मेरा हो आपका लेते हैं चलो माइनस वन टू वन, क्लोज माइनस वन टू वन कर लेते हैं। देखो पहली पिछली बार था ओपन माइनस वन टू वन, अब की बार क्लोज माइनस वन टू वन। अगर मैं क्लोज माइनस वन टू वन लेता हूं, मतलब प्लस माइनस वन भी उसमें इंक्लूडेड है और माइनस वन से वन वाली वैल्यू भी इंक्लूडेड है, इसका मतलब आपको आउटपुट क्या क्या पॉसिबल है, जीरो भी पॉसिबल है और माइनस वन भी पॉसिबल है। तो आंसर क्या आ गया, जीरो भी पॉसिबल है और माइनस वन पॉसिबल है। ये देखो इसकी रेंज आ गई, है ना। अब इसी क्वेश्चन को पूछने का एक और तरीका हो सकता था, तो फाइंड द, अब की बार देखो मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, फाइंड द पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ वाई इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इफ एक्स बिलोंग्स टू दिस थिंग। तब की बार क्या आएंगे, पॉसिबल इंटीग्रल कौन आएंगे, जीरो कॉमा माइनस वन। अच्छा, इस क्वेश्चन को ऐसे भी चेंज कर सकते थे आप, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ वाई इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इफ एक्स बिलोंग्स टू दिस। तो आपने एक ही क्वेश्चन से देखो कितने, चार पांच क्वेश्चन फ्रेम कर लिए हमने, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। तो हमने पढ़ा सिग्नम, सिग्नम से हमने सिग्नम के डोमेन पे क्वेश्चन पूछ लिया, उसके रेंज पे क्वेश्चन पूछ लिया, उसमें पॉसिबल जो आउटपुट आ सकते थे, जो उसकी पॉसिबल वैल्यूज थी, हमने उस पर क्वेश्चन पूछ लिया। तो आप देख रहे हो कि हमने एक ही क्वेश्चन से डिफरेंट डिफरेंट कितने क्वेश्चन फ्रेम कर लिए, है ना। तो हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब की बार में हमें क्या करना है, डोमेन फाइंड करना, और हमारा क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज। चलो दोनों फाइंड कर लेते हैं ना अलग अलग, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। आप इसके दो क्वेश्चन बना सकते हो, एक बार डोमेन पूछ लो, एक बार रेंज पूछ लो। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ वाई इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ ई रेज पर एक्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो देखते हैं फिर इसी से हम कुछ टफ क्वेश्चन पे जाएंगे, और इसी से हम देखेंगे कि क्वेश्चन नया कैसे फ्रेम किया जा सकता है यहाँ से। अच्छा, अगर आप देखो, आपको सबको पता होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में, सब जानते हैं ई रेज पर एक्स क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है। जो ई रेज फोर एक्स है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आपने क्या देखा, अगर यहाँ सिग्नम का इनपुट क्या, अगर ऑलवेज पॉजिटिव हो, तो सिग्नम को जब हमने डिफाइन किया था, तो हम देखा था कि सिग्नम का इनपुट, मतलब यहाँ पर कौन है, ई रेज फोर एक्स, अगर ऑलवेज पॉजिटिव हो, तो जो आउटपुट होता है वो क्या मिलता है, क्या मिलता है, ऑलवेज वन मिलता है। तो सिग्नम ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज वन। तो आपको आउटपुट क्या मिला, वन, चाहे आप एक्स कुछ भी रखो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो
तो अगर आपको रेंज पूछा जाए, रेंज में क्या आया, रेंज में अगर इंटरवल नहीं, एक वैल्यू चाहिए डिस्क्रीट, दैट इज वन। ये आपको डायरेक्टली पूछ सकता था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्नम ऑफ इरेज फॉर एक्स, दैट इज अगेन वन। अब हम बात करें डोमेन की, तो डोमेन देखो बेटा, सबसे पहले पूछेंगे सिग्नम से। तो सिग्नम ने बोला कि इरेज फॉर एक्स कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, सिग्नम की कोई कंडीशन नहीं होती है, सिग्नम इज ऑलवेज डिफाइंड। एक बात, दूसरी बात, इरेज फॉर एक्स से पूछा तो इरेज फॉर एक्स का डोमेन भी क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू आर। उसने भी कोई मना ही नहीं की, उसने भी कोई नाटक नहीं किया कि मैं यहाँ पर डिफाइन होऊंगा या यहाँ पर डिफाइन नहीं होऊंगा। जैसे लोग के बड़े नखरे होते हैं ना लॉगरिदमिक के, कि एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस वन नहीं होना चाहिए, तो ऐसे इरेज फॉर एक्स का कोई नाटक नहीं था। तो हमने क्या बोला, डोमेन क्या, एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप इसमें चेंज क्या कर सकते हो, देखो आप इसमें ऐसे पूछ सकते थे, ये लो y इज इक्वल टू, आप ऐसे पूछ सकते हो, चलो ln ऑफ सिग्नम x कर देते हैं अब की बार, ये लो अब ऐसे कर दिया। अब क्या निकालना है, डोमेन निकालना है, चलो इसी क्वेश्चन में फाइंड द डोमेन। तो अब की बार में डोमेन निकालना पड़ेगा, अब की बार डोमेन x बिलोंग्स टू आर मुझे नहीं लगता हम लिखेंगे, क्यों, क्योंकि log ऑफ समथिंग है ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जो log ऑफ, log का जो इनपुट है, log का इनपुट कौन है, सिग्नम ऑफ x। तो डोमेन के लिए क्या करना पड़ेगा, सिग्नम ऑफ x को पहले पॉजिटिव करना पड़ेगा, तभी मेरा ln डिफाइन होगा। तो अच्छा बेटा अब बताओ मुझे, सिग्नम ऑफ x ग्रेटर देन 0 कब होता है, देखो बेटा सिग्नम ऑफ एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो मतलब सिग्नम ऑफ वन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, सिग्नम ऑफ एक्स पॉजिटिव कब होता है, सिग्नम की तीन ही वैल्यूज पॉसिबल होती है, एक तो माइनस वन, जीरो और वन। तो पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है सिग्नम की, वन। तो ये पूछना चाह रहा है इनडायरेक्टली कि सिग्नम एक्स पॉजिटिव कहाँ है, मतलब सिग्नम एक्स वन कहाँ है। तो सिग्नम एक्स वन कहाँ पर होता है, जब एक्स क्या हो, पॉजिटिव हो, तो उसका डोमेन क्या आ गया, एक्स ग्रेटर देन जीरो। और लिखने का तरीका क्या हो सकता है, एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर। तो देखो ये ऑप्शंस में आप ऐसे लिख सकते थे, पहला ऑप्शन एक्स ग्रेटर देन जीरो, दूसरा ऑप्शन एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस वन। अगर आपको ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन फॉर्म करना है एडवांस का, तो आप क्या कर सकते हो, एक्स ग्रेटर देन जीरो और एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस, इस टाइप से दोनों सेम ही चीजें में से है ना, आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, डोमेन पता कर लिया हमने इसमें और रेंज भी पता कर ली। रेंज क्या है हमारी, इस क्वेश्चन हमने डोमेन क्या मिला, एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस, चलो रेंज निकाल लेते हैं फिर। अगर मेरा x ग्रेटर देन जीरो है, अगर मेरा x ग्रेटर देन जीरो है, तो मुझे बताओ सिग्नम ऑफ x क्या होगा फॉर रेंज। अगर x ग्रेटर देन जीरो है तो सिग्नम ऑफ x क्या होगा, सिग्नम ऑफ x होगा मेरा वन। तो और अब सिग्नम x किसके अंदर जाएगा, ln के अंदर, मतलब ln वन हुआ, तो ln वन कितना होगा, जीरो। तो रेंज क्या आई मेरी, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज जीरो। तो ये मेरी आपकी आ गई रेंज आ गई। तो आपने रेंज एंड डोमेन दोनों चीजें यहां से कैलकुलेट कर ली। तो अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, अब हम लेने वाले हैं नेक्स्ट एग्जांपल, विच इज y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ साइन x। देखो इसका हमें डोमेन भी निकालना है, इसकी हमें रेंज भी निकालनी है, और इसका हम ग्राफ भी ड्रॉ करने वाले हैं, जिससे ग्राफ किसी फंक्शन का ड्रॉ कर लेना मतलब हमें उसके बारे में सब कुछ पता है, और उसे हम फिर ग्राफ से देखेंगे इस पर क्या क्या क्वेश्चन और क्रिएट किए जा सकते हैं सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन से। तो देखते हैं सिग्नम ऑफ साइन एक्स, तो डोमेन की अगर बात करी जाए सबसे पहले, तो डोमेन क्या आएगा इसका बताओ। तो सिग्नम ने कुछ बोला कि मेरी कोई कंडीशन नहीं है, सिग्नम की कोई कंडीशन नहीं है, सिग्नम को डिफाइन होने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, सिग्नम इज ऑलवेज डिफाइंड। तो ठीक है, सिग्नम की कोई नौटंकी नहीं है। अब जाते हैं साइन के पास, साइन भी तो हमेशा डिफाइन होता है, तो इसका मतलब डोमेन क्या गया, एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ऐसी कोई वैल्यूज ही नहीं है जहां पर हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाए, ये तो डोमेन आ गया, डोमेन बहुत सिंपल था। अब रेंज निकालते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, सिग्नम ऑफ साइन एक्स का, तो इससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो साइन एक्स का ग्राफ सबको आता है, कुछ इस तरीके से होगा हमारा साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है, जिसमें यहाँ पर पाई होगा, यहाँ टू पाई होगा, दिस इज माइनस पाई एंड दिस इज माइनस टू पाई। ये मेरा ग्राफ किसका, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तो मुझे चाहिए किसका ग्राफ, y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ साइन एक्स का, या मुझे इसका आउटपुट चाहिए। देखो तो अगर मेरा जब साइन एक्स पॉजिटिव होगा, देखो जब साइन एक्स पॉजिटिव होगा मतलब क्या होगा, सिग्नम का इनपुट अगर पॉजिटिव होता है, तो सिग्नम के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू जाती है, या आई मीन टू से सिग्नम का इनपुट अगर पॉजिटिव होता है, तो सिग्नम आपका आउटपुट कितना देता है, वन देता है। सिग्नम आपका आउटपुट कितना देता है, वन देता है। तो आपने क्या देखा, अगर मेरा साइन एक्स कहीं पॉजिटिव आ रहा है, तो सिग्नम ऑफ साइन एक्स कितना आएगा, वन। और अगर मेरा कहीं साइन एक्स जीरो आ रहा है, तो उस टाइम सिग्नम ऑफ जीरो क्या देगा आपका, जीरो। और जब मेरा साइन एक्स लेस देन जीरो है, जहां पर मेरा साइन एक्स लेस देन जीरो है, नेगेटिव है, तो मैं बोलूंगा सिग्नम ऑफ नेगेटिव वैल्यूज कितना होता है, माइनस वन। तो आपके अभी भी आउटपुट कितने मिल रहे हैं, तीन मिल रहे हैं। अब ये देखना है कि एक्स ग्रेटर देन जीरो कहाँ कहाँ है, ठीक है, पॉजिटिव कहाँ कहाँ, देखो एक तो जीरो से पाई में है,
उसका तो 2π/3π में आएगा। देखो 2π/3π में भी आगे आएगा ना, जो मेरा साइन एक्स है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अगर देखो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं ना, किसका, साइन सिग्नम ऑफ साइन एक्स का, तो क्या देखेंगे हम ये देखेंगे 0 से π में। देखो पहले देखो ग्राफ 0 से π में, तो 0 से π में देखा साइन कैसा है, पॉजिटिव। तो अगर साइन पॉजिटिव है तो आउटपुट कितना मिलेगा, 1। तो जब मेरा एक्स 0 से π में है तो आउटपुट कितना मिलेगा मुझे, 1 आउटपुट मुझे मिलने वाला है। ठीक है, अब बात करूं मैं एग्जैक्ट 0 और π की, अभी बात करिए 0 एंड π के बीच वाले नंबर की। तो अगर मैं बात करूं 0 एंड π पे, तो 0 एंड π पे बात करें तो 0 पे साइन कितना होता है, 0, और π पे साइन कितना होता है, वहां पर भी 0। तो जब साइन एक्स 0 होगा तो आउटपुट कितना देगा, 0। मतलब पाई पे भी 0 आउटपुट मिलेगा और 0 पे भी 0 आउटपुट मिलेगा, मतलब ये पॉइंट मिल गया। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं पाई से 2π। तो पाई से 2π में क्या होगा, पाई से 2π के बीच में साइन कैसा है, नेगेटिव। ये वाली डेफिनेशन यूज होगी। जब मुझे ग्राफ चाहिए पाई से 2π के बीच का, तो मुझे साइन एक्स कैसा मिलेगा, नेगेटिव। और जब साइन एक्स नेगेटिव होगा तो वाई कैसा मिलेगा, आई मीन टू से सिग्नम ऑफ साइन एक्स कितना मिलेगा, -1 मिलेगा आपका। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, दैट इज -1, यहाँ पर -1 है और यहाँ पर मेरा +1 था, इस तरीके से। सिमिलरली आगे चलते जाएंगे 2π/3π में, 2π/3π में क्या होगा, वापस वही चीज रिपीट हो जाएगी। क्या 2π/3π में साइन कैसा, पॉजिटिव, और साइन अगर पॉजिटिव हुआ तो वाई कितना आएगा, 1। तो वाई इज इक्वल टू 1 की लाइन मैंने ड्रॉ कर देनी है। अच्छा, 2π और 3π पे क्या होता है, x इज इक्वल 2π और x इज इक्वल 3y पे साइन एक्स होता है 0। अगर साइन एक्स 0 होता है तो भाई कितना आएगा, 0। तो 2π पे आउटपुट आएगा 0 और 3y पे भी आउटपुट आएगा 0। तो ये आपने देखा कि पाई पे सारे पॉइंट नीचे आ रहे हैं। अच्छा, अब बात करें 0 से -π के बीच की, तो वहां क्या होता है, 0 से -π के बीच में साइन कैसा है, साइन कैसा है, नेगेटिव। अगर साइन नेगेटिव है, मतलब ये वाली डेफिनेशन, साइन नेगेटिव है तो सिग्नम ऑफ साइन एक्स कितना होगा, -1 होगा, यहाँ पर डेफिनेशन यूज हुई -1 की। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो आई होप ये जो ग्राफ था सिग्नम ऑफ साइन एक्स का, वो आपको क्लियर है, और नेक्स्ट ग्राफ वापस इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, जो कि अगर आप -2π से -π के बीच का ग्राफ देखोगे तो साइन एक्स कैसा है, पॉजिटिव। तो सिग्नम ऑफ साइन एक्स कैसा होगा, सिग्नम ऑफ साइन एक्स विल बी 1। ठीक है, तो ये आपके आउटपुट मिल जाएंगे। तो इस तरीके से मेरा ग्राफ आ जाएगा। अब मुझे रेंज बताओ, रेंज क्या मिली, अपने डोमेन निकाल लिया, ये रेंज क्या मिली। तो रेंज के लिए आप क्या कर सकते हो, मतलब आपको आउटपुट देखना है। तो एक तो आउटपुट मिला है मेरे 1, यहाँ पर एक आउटपुट मिला है 0, एक आउटपुट मिला है कितना, -1। तो रेंज के अंदर 3 वैल्यूज आ गई, -1, 0 और 1। तो ये 3 आउटपुट है आपके। अब इस क्वेश्चन को और मुझे अगर चेंज करना है, या मुझे नया क्वेश्चन क्रिएट करना है इसी क्वेश्चन से, देखो मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत फेर बदल करके एक नया क्वेश्चन बना सकता हूँ। क्या मैं इसमें ऐसे पूछ लूंगा आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन, वाई इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ साइन एक्स व्हेन एक्स इज फ्रॉम 0 to π। आप ऐसे कर दो चलो, कि फाइंड वाई इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ साइन एक्स, चलो चेंज कर देते हैं, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 2π to 3π। अगर एक्स मेरा 2π से 3π के बीच में है तो आप मुझे सिग्नम ऑफ साइन एक्स की वैल्यू बताओ, दैट इज 1। इस ग्राफ में आप देख सकते हो, ये पूछ सकते थे। अच्छा, और क्या पूछ सकते थे इससे, और दूसरा आप क्वेश्चन ये पूछ सकते थे कि फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ वाई इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ साइन एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू, जब मेरा हो जाए π से 2π। तो अब बताओ, ये क्वेश्चन फिर नया क्वेश्चन बन गया, मतलब एक्स मेरा पाई हो सकता है और 2π भी हो सकता है, और π से 2π के बीच में भी हो सकता है। तो उस केस में अगर π से 2π के बीच में, तो सिग्नम ऑफ साइन एक्स कितना है, -1, और जब पाई पे कितना है, 0, और 2π पे कितना है, 0। तो आपकी इंटीग्रल वैल्यूज कौन कौन सी पॉसिबल हो गई, एक तो 0 आ सकता है, एक -1 आ सकता है। अगर ऐसे पूछ लेता फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, तो आपकी 2 आती, कौन कौन सी, एक -1 और एक 0। अच्छा, आप पूछ लेता फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज, तो वो कौन कौन सी, एक तो 0 और एक -1। तो देखो फिर इसी से हमने एक और क्वेश्चन बना लिया। तो क्वेश्चन वही था, हमने उस क्वेश्चन को तरीका बदल के, उस क्वेश्चन में जो एक छोटा सा पार्ट उठा लिया हमने, फिर एक हमारा नया क्वेश्चन फॉर्म हो गया। अच्छा, और कैसे कर सकते हैं, और आप एग्जाम्पल ऐसे क्रिएट कर सकते हो। देखो हमें पता है कि हमें सिग्नम का यूज करना है, सिग्नम से हमें क्वेश्चन क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, उसका डोमेन एंड रेंज निकालना है। तो आप सिग्नम के अंदर लॉग डाल दो, ये लो सिग्नम के अंदर कुछ डाल दो, ऐसे लॉग टाइप कुछ रख दो, चलो सिग्नम ऑफ लॉग ऑफ समथिंग। तो फिर उसका डोमेन पूछ लेते हैं, सिग्नम ऑफ लॉग ऑफ समथिंग की जगह कोई, चलो क्वाड्रेटिक रख देते हैं, x²-4x+4। आप अपनी मर्जी से क्वाड्रेटिक चूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसका डोमेन निकालना, चलो फाइंड द डोमेन। हाँ, कैसे निकालेंगे,
अब इसका डोमेन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले सिग्नम को पूछा, सिग्नम ने कोई कंडीशन नहीं रखी, सिग्नम इज ऑलवेज डिफाइन। अब अंदर कौन गए, पहले सिग्नम का काम तमाम, अब अंदर गए लॉग मिला, तो लॉग की कंडीशन होती है क्या, लॉग का आर्ग्यूमेंट है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ये लॉग की कंडीशन है। तो यही से मुझे यही से मुझे आर्ग्यूमेंट जो है मिलने वाला है। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर क्या होता है, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो हमें एक चीज पता है कि किसी भी क्वांटिटी का जो स्क्वायर है, वो क्या होता है, या तो ग्रेटर देन जीरो होता है या इक्वल टू जीरो होता है। तो ये मुझे चाहिए पॉजिटिव, इसका मतलब द क्रिटिकल पॉइंट क्या है, टू, इधर प्लस, और एक्स माइनस टू पावर क्या, इवन। तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी फॉन्ट भी चेंज, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हमारा नहीं हुआ। अब मुझे चाहिए ग्रेटर देन जीरो कहां पर, देखो एक तो इस साइड है, एक इस साइड है, मतलब एक्स क्या है मेरा माइनस इन्फिनिटी से टू तक है, यूनियन टू टू इन्फिनिटी। अरे ऐसा क्यों लिखे, इतना लंबा क्यों लिखा, आप ऐसे भी तो लिख सकते थे कि डोमेन ऑफ फंक्शन इज एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस टू। भाई आपने यहाँ पर करा क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर टू तक, फिर टू से इन्फिनिटी तक, छोड़ा तो एक टू ही है ना, तो आप ऑल रियल नंबर लिख के फिर माइनस टू कर लो, है ना। तो ये आपने हटा दिया, तो इस तरीके से मेरा ये डोमेन मुझे मिल गया। अब रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखो ये क्वेश्चन बन गया एक, तो अब इसके आप रेंज पूछ सकते हो सेम क्वेश्चन की, तो आप एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली बन गए ना, एक डोमेन का एक रेंज का। तो अब रेंज के लिए क्या करोगे, रेंज के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि सिग्नम पॉजिटिव कब है, सिग्नम ऑफ जो इनपुट है सिग्नम का, वो इनपुट पॉजिटिव कब है, इनपुट नेगेटिव कब है, इनपुट इनपुट जीरो कब कब है। तो आपको कैसे लेने पड़ेंगे, ठीक है, व्हेन जो सिग्नम का इनपुट है, मतलब वो सिग्नम का इनपुट कौन है, सिग्नम के अंदर कौन जा रहा है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर ग्रेटर देन जीरो, ये पॉजिटिव कब है। तो उस केस में मेरा जो आउटपुट आएगा कितना मिलेगा, वाई इज इक्वल टू वन मिलेगा, ठीक है। हाँ बताओ ये पॉजिटिव कब है, तो इसके लिए अपने सॉल्व करनी पड़ेगी दिस इनइक्वालिटी, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, दोनों साइड क्या किया आपने, एंटी लॉग ले लिया, या आप ऐसे बोल सकते हो कि लॉग को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया राइट हैंड साइड में, तो इधर आके बन गया ये ई रेज पावर एक्स, ठीक है। अगर बेस इसका क्या है मेरा, अगर ई है तो ई रेज पावर जीरो आ जाएगा, और अगर बेस मेरा टेन है तो आ जाएगा टेन रेज पावर जीरो। तो बाई डिफॉल्ट बेस क्या होता है इसका, टेन होता है, तो टेन रेज पावर जीरो कितना हो जाएगा, वन, तो दैट इज ग्रेटर देन वन। तो ये फाइनली मिल गया आपको एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, दैट इज ग्रेटर देन जीरो, और इसके फैक्टर हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। तो इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लो, चलो वन एंड थ्री क्या है, क्रिटिकल पॉइंट, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट ऑर्डर में हमने साइन चला दिए। अब इसके बाद में एक्स कहां से कहां तक आएगा, प्लस वाला साइन चाहिए, मतलब मुझे एक्स क्या होना चाहिए, एक्स मुझे मिला माइनस इन्फिनिटी टू आपका मिल गया वन तक, यूनियन थ्री टू इन्फिनिटी, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बन गया। तो अगर मेरा एक्स इस रेंज में हुआ, अगर एक्स मेरा इस इंटरवल में हुआ, तो जो लॉग ऑफ समथिंग है वो क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर ये लॉग ऑफ समथिंग पॉजिटिव आ गया, तो साइन ऑफ सिग्नम ऑफ पॉजिटिव क्या आएगा, वन आएगा। तो इस केस में जो मेरा वाई है वो वन आएगा, इस केस में मेरा वाई कितना आएगा, वन। अब जब ये जीरो हो तो उस केस में वाई क्या आएगा, जीरो। अब जब ये नेगेटिव हो तो उस केस में वाई क्या आएगा, माइनस वन आएगा। तो इस टाइप से हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे रेंज में। अच्छा केस टू, जब लॉग ऑफ समथिंग क्या हो, जीरो हो, तो वो जीरो कहाँ होगा, इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा यही क्रिटिकल पॉइंट मिलने वाले हैं, एक्स इजिकल टू वन एंड एक्स इजिकल टू थ्री, ठीक है, एनी पॉइंट मिलने वाला है। अच्छा अगर केस थ्री में सॉल्व करूं, देखो केस थ्री को मैं सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम केस वन में वही चीज सॉल्व कर चुके हैं, बस, है ना, बस फर्क इतना है वहां इनइक्वलिटी का साइन पलट देना है। अब बार ये लेस देन जीरो कब होगा, ये लेस देन जीरो कब, मतलब ये अब की बार हमने इनइक्वलिटी का साइन यहाँ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर दिया, मतलब नेगेटिव नेगेटिव पोर्शन लेना है इसमें से। तो नेगेटिव पोर्शन कब मिलेगा, जब एक्स क्या हो, वन से लेके थ्री हो। तो देखो आपको कब मिलेगा, एक तो वन कब मिलेगा, वाई इज इक्वल टू वन, जब मेरा एक्स ये हो। अच्छा अब वाई इज इक्वल टू जीरो कब मिलेगा, जब मेरा एक्स वन और थ्री हो। जब वाई माइनस वन कब मिलेगा मुझे, वाई माइनस वन तब मिलेगा जब एक्स क्या हो, वन से लेके थ्री में हो, तो वाई इज इक्वल टू माइनस वन मिलेगा। तो इस तरीके से हम इस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। किस तरीके से हमने डिफाइन किया, वाई इज इक्वल टू आपको वन कब मिलेगा और जीरो कब मिलेगा, माइनस वन कब मिलेगा। तो वन कब मिलेगा, जब एक्स क्या हो, माइनस इन्फिनिटी से वन, जब क्या हो, माइनस इन्फिनिटी से वन, यूनियन थ्री टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस टाइम मुझे क्या मिलेगा, इस टाइम मुझे मिलेगा वाई वन, जीरो कब मिलता है, एक्स इजिकल टू वन और थ्री पे, वन और एक्स इजिकल टू थ्री पे। तीसरी चीज, माइनस वन कब मिलेगा, जब एक्स क्या हो, वन से लेकर थ्री में हो। तो अब इससे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, देखो इसका ग्राफ तो पूछ ही सकता है कि ग्राफ ड्रॉ करो, या आप क्वेश्चन ऐसे क्रिएट कर सकते थे कि फाइंड, चलो ऐसे पूछ लेते हैं, फाइंड वाई इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या था हमारा, सिग्नम ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इफ एक्स बिलोंग्स टू वन टू थ्री, ठीक है, वन से लेके थ्री तक हो, मतलब इस रेंज में हो एक्स, तो वाई कितना आएगा, माइनस वन आएगा, आंसर कितना आना चाहिए, माइनस वन आना चाहिए।
अच्छा ऑप्शन क्या क्या रख सकते थे आप? ऑप्शन में ये रख देते, -1, 0, 1, डी में नन। ठीक है, इस तरीके से आप ऑप्शन भी रख सकते थे। देखो फिर हमारा ये नया एमसीक्यू क्रिएट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते थे। अच्छा ये भी पूछ सकते थे आप, फाइंड वाई इज इक्वल टू, चलो रेंज पूछ लेते हैं ना, चलो रेंज ही पूछ लेते हैं, फाइंड वाला पिछला हो गया, अब क्या पूछ लेते हैं, रेंज, फाइंड रेंज इफ फाइंड रेंज ऑफ, किस फंक्शन की रेंज निकालनी है वो देख रहे हैं, फाइंड रेंज ऑफ वाई इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ लॉग ऑफ, जो हमारा सेम टू सेम क्वेश्चन था मैं वही ले रहा हूँ। तो इसी क्वेश्चन देखो फेरबदल करने से कितने क्वेश्चन बन जा रहे हैं, मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, फाइंड द रेंज ऑफ दिस इफ, अब मैं कंडीशन लगाता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू, चलो कर देता हूं मैं -∞ टू 1, यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। देखो मैंने यहाँ पर 3 पे क्या लगा दिया, क्लोज, या आप इसको ऐसे भी पूछ सकते थे, इफ एक्स इज लेस देन 1 और एक्स इज ग्रेटर देन 3, बात दोनों एक ही, आप इसको ऐसे लिखो चाहे आप इसको ऐसे लिखो, दोनों बात सेम ही है। तो जब एक्स मेरा 1 से छोटा है, अब ये इक्वलिटी का साइन लगाता हूँ, चलो यहाँ पर ठीक है, हाँ एक्स जब मेरा 1 के इक्वल है, 1 छोटा हो, 1 इक्वल हुआ तो आउटपुट कितना मिलेगा, वाई 0 मिलेगा। अच्छा 3 के इक्वल हुआ तो आउटपुट कितना मिलेगा, 0, और -∞ से -1 या 3 टू इन्फिनिटी हुआ तो उस टाइम आउटपुट कितना मिलेगा, y इज इक्वल टू 1। तो y की दो दो वैल्यू पॉसिबल है, कौन सी, तो 0 पॉसिबल है, y इज इक्वल टू 1 पॉसिबल। तो रेंज क्या आई, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज y इज इक्वल टू, एक तो 0 पॉसिबल, एक 1 पॉसिबल है, क्योंकि रेंज में कौन आए, दो चीजें आई, 0 और 1। तो ऑप्शन क्या क्या रख सकते हो, 0,1 दूसरा ऑप्शन लिख दिया, 0,-1 तीसरा ऑप्शन लिख दिया, -1,1, है ना, इस टाइप से आप ऑप्शन 4 सिलेक्ट कर सकते हो आराम से, है ना। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई, एमसीक्यू कैसे क्रिएट करेंगे। अब हम एक एमसीक्यूज को सुखसमाज के प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करके देखेंगे कि कैसे उसको पोस्ट करना है हमें। हाँ तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा सुखसमाज की ऑफिशियल साइट पे, दैट इज www.suksamaj.com। उसमें आप जाओगे सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पे, यहाँ प्रोफाइल पे जाओ, प्रोफाइल पे जो क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शंस नजर आएंगे, वॉल, क्वेश्चंस, ई नोट्स, कैलकुलेशंस एंड एमसीक्यूज एंड सो ऑन। ठीक है, उसमें आपको क्लिक करना एमसीक्यूज पे, एमसीक्यूज पे क्लिक करते ही आपको राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन नजर आएगा क्या, पोस्ट एमसीक्यू। ठीक है, आप उस पर क्लिक करो तो आपको इस टाइप का विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये विंडो अपियर होगा जिसमें यहाँ पर आपको क्वेश्चन पोस्ट करना है। तो अभी जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया था मैंने वही टाइप करके रखा हुआ है, क्या, फाइंड द रेंज ऑफ सिग्नम ऑफ ln x²-4x+4। तो इसके लिए देखो पहले तो हमारा जो है वर्ड्स है, फाइंड द रेंज ऑफ, आगे जो लिखा है वो है मैथमेटिकल इक्वेशन। अब मैथमेटिकल इक्वेशन कहाँ से इंसर्ट करनी होती है, यहाँ पर जाओ आप इस ऑप्शन पे जाओगे तो इसको एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड टू फुल पेज। इसके बाद में यहाँ देखो fx जो लिखा हुआ है ये किसके लिए, ये एक्चुअली इक्वेशन क्रिएट करने के लिए है। तो आपको जो भी इक्वेशन क्रिएट करने के लिए चीजें चाहिए वो सारी टूल्स यहाँ पर अवेलेबल है, आप इनको वन बाई वन करके एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप इक्वेशन टाइप करोगे तो नीचे आपको दिखेगा प्रीव्यू, जैसे ये है, चलो ये टाइप किया तो इस टाइप से प्रीव्यू आ रहा है, मतलब ये अगर लिखोगे आप, ये टाइप करोगे तो आपको इस टाइप से क्वेश्चंस मिलेगा, इस टाइप से आपको इक्वेशन फॉर्म हुई हुई मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको सारे ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इनको यूज करना है, आपको मिल जाएगी इक्वेशन, उसके बाद में ओके कर देना है, उसके बाद में आपको करना है फिनिश एडिटिंग। इसके बाद आपका क्वेश्चन यहाँ टाइप हो गया, क्वेश्चन यहाँ बन गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन से रिलेटेड टेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने टैक्स भूलने कभी नहीं है। तो जो क्वेश्चन आपका है वो जिस चीज से रिलेटेड है, जिस जिस एग्जाम से रिलेटेड है, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो सारे टैक्स यहाँ पर आपने डालने हैं। क्या क्या, जैसे लाइक ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, जो एमसीक्यू है वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का है, ITJEE का है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का है, कैलकुलेशन कैलकुलस पोर्शन का है मैथमेटिक्स में, और फंक्शन चैप्टर का है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने ये सारे टैग्स जो थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जो इस एमसीक्यू से रिलेटेड, वो सारे आपने यहाँ पर डाल दिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में आपने ऑप्शन लिखने हैं 0,1, जो भी मैंने ऑप्शन बताए थे आपको, ऑप्शन वो सारे ऑप्शन मैंने यहाँ टाइप कर दिए, ऑप्शन 1, 2, 3, 4। ठीक है, चारों ऑप्शन कैसे टाइप किए, वैसे के वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन टाइप किया। उसके बाद में करेक्ट आंसर मेरा है ऑप्शन 3, तो मैंने ऑप्शन 3 पे यहाँ क्लिक कर दिया, मतलब ऑप्शन 3 डायरेक्ट कर दिया, मतलब ऑप्शन 3 क्या इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में नीचे आपको यहाँ शो करेगा सबमिट एमसीक्यूज, लेकिन मुझे यहाँ पर शो कर रहा है अपडेट एमसीक्यू, व्हाई, बिकॉज मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है, तो इसलिए मैं इसके एडिटिंग मोड में मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, इसीलिए आपको यहाँ मुझे दिखा रहा है अपडेट एमसीक्यू, लेकिन आपके यहाँ पर शो होगा सबमिट एमसीक्यू एंड देन सबमिटेड।
तो जो ही सबमिट करोगे आपको इस तरह का विंडो अपियर होगा और ये क्वेश्चन बन के हमारा आ गया फाइंड द रेंज ऑफ दिस। ये देखो अब इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है कुछ इस टाइप से, ये आपके ऑप्शन है जिसमें सी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो हर क्वेश्चन को पोस्ट करने पे आपको क्या मिलता है, 10 पॉइंट्स मिलते हैं। और ये पॉइंट्स कैसे देखने होते हैं उसके लिए आप जाओगे सबसे पहले बियॉन्ड नोइंग में, यहाँ पर ये बियॉन्ड नोइंग ऑप्शन दिख रहा है आपको, बियॉन्ड नोइंग में जाओ, उसमें आपको जाना है डिटेल अटेंड क्विज एंड पॉइंट्स टेबल, आपको इतने सारे ऑप्शंस नजर आएंगे आफ्टर गोइंग टू, जब आप क्लिक करोगे इसमें बियॉन्ड नोइंग पे तो आपको तीन ऑप्शन नजर आएंगे डिटेल अटेंड क्विज एंड पॉइंट्स टेबल, तो उसमें आपको जाना है पॉइंट्स टेबल पे, जो ही आप पॉइंट्स टेबल पे जाओगे आपको राइट आपको अपने नाम के आगे यहाँ पर देखो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। देखो मुझे 10 पॉइंट्स मिले जो मैंने अभी एक एमसीक्यू पोस्ट किया था, उस एमसीक्यू के मुझे 10 पॉइंट्स मिले। तो सिमिलरली आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज अगर इस परफॉर्म करते हो लाइक क्विज प्ले करना, कमेंट करना, क्लैप करना, तो उसके सबके अलग अलग पॉइंट्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, और ये पॉइंट्स आपको हेल्प करते हैं विनिंग में, और इन पॉइंट के बेसिस पे आपको रिवार्ड्स मिलता है अगर आप विन करते हो या अगर आप रैंकिंग में आते हो। लाइक अगर हमारा जो कंपटीशन होता है, जो रिजल्ट अनाउंस होता है, उसमें अगर आपका कहीं रैंक होता है तो आपको इन पॉइंट्स के बेसिस पे रिवार्ड्स मिलता है। अच्छा, नॉट ओनली पॉइंट्स के बेसिस पे, एक्चुअली कभी कभी क्या होता है जैसे जो हमारा रिजल्ट होता है वो अनाउंस होता है, एक दिन तो होता है पॉइंट बेसिस पे, और दूसरे दिन जो रिजल्ट अनाउंस होता है वो होता है कट ऑफ एंड रेंडम बेसिस पे, जिससे जो हमारे नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो न्यू कमर्स है, उनको भी चांस मिले रिवार्ड्स लेने का और विन करने का मौका मिले। ठीक है, जिसमें कट ऑफ एंड रेंडम बेसिस पे। अच्छा, जो रिजल्ट होता है वो मंथली भी अनाउंस होता है और वीकली भी अनाउंस होता है और डेली बेसिस पे भी अनाउंस होता है। ठीक है, और जो चीजें चलती है अल्टरनेट ऑर्डर में, एक बार पॉइंट्स के बेसिस पे होता है, दूसरी बार कट ऑफ एंड रेंडम बेसिस पे हमारा रिजल्ट अनाउंस होता है। तो आई होप ये चीजें सारी चीजें आपको बेटे क्लियर होगी होगी। तो गाइज मेरे इस लेक्चर के बाद शुरू होता है आपका काम, दैट इज प्रैक्टिस करना एंड इस चैप्टर को रिवाइज करना, सो आपकी लर्निंग को और इंटरेस्टिंग एंड आसान बनाने के लिए सुक्ष्माज ब्रॉट टू यू है सेल्फ लर्निंग गेम दैट इज बियॉन्ड नोइंग। एंड इस गेम में पार्टिसिपेट करके आप अपनी सेल्फ स्टडी को, अपनी प्रैक्टिस को बहुत बेहतर कर सकते हैं। और इस गेम की खास बात क्या है, इस गेम में आपको क्या करना होता है, आपको एक सेल्फ मेड एमसीक्यू पोस्ट करना होता है, जो अभी हमने सीखा था कैसे पोस्ट करते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं, एंड एक आंसर पोस्ट करना होता है, कुछ रीड्स एंड एक क्विज प्ले करनी होती है जो आपकी डेली लर्निंग डोज को पूरा कर देती है। आप बेसिकली गेम गेम में क्या कर रहे हो, यहाँ पर चीजें सीख रहे हो, क्वेश्चन सीख रहे हो, एमसीक्यू क्रिएट करना सीख रहे हो। एक एमसीक्यू क्रिएट करना मतलब आपके सारे कॉन्सेप्ट उसके रिलेटेड क्लियर है। देखो एक एमसीक्यू क्रिएट करना मतलब आपने 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए उसके बराबर है, क्योंकि 10 क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना एफर्ट लगता है एमसीक्यू क्रिएट करने में आपको। ठीक है, उसके लिए सारी चीजें क्लियर होती है तब जाके एमसीक्यू क्रिएट होता है। ठीक है, हाँ, तो ये चीज आपको क्लियर है। सो ओके गाइज, वी विल एंड अप आवर टुडे सेशन हियर, सो टू गेट माई क्वेश्चन एंड नोट्स फॉलो मी ऑन सुक्ष्माज, दिस विल अलाउ मी टू सी योर वर्जन ऑफ द क्वेश्चन देयर, गेट माई प्रोफाइल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड एक चीज और, ज्वाइनिंग सुक्ष्माज इज कम्प्लीटली फ्री, सो बिगिन अप योर सोशल मीडिया लर्निंग एक्सपीरियंस टूडे, सुक्ष्माज के ज्वाइन करने के कोई पैसे नहीं है। हाँ, अगर आप अपनी डेली लर्निंग को गेमिफाइड वे में करना चाहते हो या एक गेमिफाइड तरीके में सीखना चाहते हो चीजों को, क्वेश्चंस को, और अपने कॉन्सेप्ट को ब्रेशअप करना चाहते हो इन ए गेमिफाइड मैनर, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो इन बियॉन्ड नोइंग गेम एंड सब्सक्राइब यूजिंग माई रेफरल कोड दैट इज MAHA21748 टू प्ले अंडर माई ग्रुप एंड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू। Thank you.